चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं और चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होगी। एक बार हम यहां पर शेड्यूल देख लेते हैं, फिर इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 16 फरवरी 2022 से लेकर 31 फरवरी 2022 तक न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे। जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है और वो 31 फरवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आता है। रीसेट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए किया है, उसके बाद में सेकंड राउंड में वो डिम्ड कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो रीसेट रजिस्ट्रेशन करके अपना डिम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिम्ड की फीस डिपॉजिट करके और डिम्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 31 फरवरी 2022 रहेगी। अब च्वाइस फिलिंग 17 फरवरी 2022 से स्टार्ट होकर के इनकी लास्ट डेट रहेगी 21 फरवरी 2022। इसके बाद में आप 21 फरवरी 2022 को ही जो आपने च्वाइसें फिल की हैं वो लॉक कर सकते हैं दोपहर बाद चार बजे से लेके रात 11:55 तक आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं लॉक करते हैं तो ये ऑटो लॉक हो जाती है। तो ऑटो लॉक होने के बाद में आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप खुद इसको लॉक कर रहे हैं तो लॉक करके आप इसका प्रिंट ले लें, लेकिन जो लॉकिंग का टाइम रहेगा वो 4 बजे से रात को 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद में जो वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट होगा, जो एमसीसी का काम है वो खुद करेंगे अपने आप, वो 22 से लेकर 23 फरवरी तक होगा। इसके बाद में रिजल्ट का प्रोसेसिंग होगा वो होगा 24 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक, और रिजल्ट डेट रहेगी 26 फरवरी 2022। इसमें ज्वाइनिंग डेट रहेगी 27 से 5 मार्च 2022। मैं आपको यहां बता दूं कि एमसीसी के सेकंड राउंड कंडक्ट होने के बाद ही स्टेट का सेकंड राउंड कंडक्ट होगा, ये एमसीसी ने भी पब्लिक नोटिस में बता दिया है। तो ये तो था इसका शेड्यूल। अब हम इसकी मोटे मोटे से रूल एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एमसीसी का फर्स्ट राउंड था वो फ्री एग्जिट राउंड था, यानी कि अगर आपको कोई अलॉट कॉलेज अलॉट हुई है, आपने ज्वाइन किया है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ज्वाइन किया है तो भी आप आगे के लिए इलिजिबल हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी एज इट इज रहेगी, यानी कि उसका कोई नुकसान नहीं रहेगा और आगे आप हर एक काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है, सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है और उस पर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो आपकी जो आपका अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा। लेकिन आप ये अमाउंट फिर से डिपॉजिट करके मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कंडीशन है आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई और उस पर ज्वाइन नहीं किया तो। नेक्स्ट इसमें यह है कि अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, एमसीसी के सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, उस पर आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते। रिजाइन करते हैं तो फिर आप आगे किसी भी काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो या फिर स्टेट की काउंसलिंग हो। तो आपने सेकंड राउंड की जो च्वाइस फिल करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है। कल के वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि आपने कैसे कैसे च्वाइस फिल करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है च्वाइस फिल करते समय। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सेकंड राउंड में वही च्वाइसें फिल करनी है जो आपको लेनी है, अन्यथा आपकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का जो लॉस है वो हो जाएगा और फिर अगर आप उस पर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप काउंसलिंग से दूसरी जगह से बाहर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपने काउंसलिंग करनी है, च्वाइस फिल करना है इसमें। तो ये तो रूल हो गए सेकंड राउंड के। उसके बाद में अभी इस बार से
ऑल इंडिया के मोपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया का मोपअप राउंड भी हो रहा है और स्टे वैकेंसी राउंड भी हो रहा है। तो जिन कैंडिडेट को सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती है वो मोपअप राउंड के लिए ऑलरेडी इलिजिबल हैं। तो ये कुछ कंडीशनें थी इसमें एमसीसी के राउंड्स की। बाकी स्टेट के आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके, वो स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन होते हैं कब आपने सीट छोड़नी है और कब आप सीट ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सीट छोड़ने के बाद, सेकंड राउंड की सीट छोड़ने के बाद मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया के मोपअप में। तो जो कंडीशनें थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भी मैं कल के वीडियो में चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक आपको पूरा समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपने चॉइस फिल करनी है ताकि आपको आपकी डिजायर्ड कॉलेज मिल सके और आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं कि एमसीसी ने एक नोटिस दिया है, उस नोटिस में जो दिल्ली स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट जारी की है। जो दिल्ली स्टेट कोटा है 85% स्टेट कोटा है उसके लिए ये लिस्ट जारी की है। हालांकि ये लिस्ट इनको पहले जारी कर देनी चाहिए थी, फर्स्ट राउंड से पहले ही जारी कर देनी चाहिए थी, तो ये इन्होंने अभी पब्लिश की है। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं आपका कहां पर सीरियलिटी नंबर कहां पर है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी गई है, आपका कहां तक नंबर आ सकता है, तो ये इसमें चेक कर सकते हैं आप। तो ये जानकारी थी एमसीसी के सेकंड राउंड के बारे में। नेक्स्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे कि आपने चॉइस कैसे फिल करनी है ताकि आपको डिजायर्ड कॉलेज मिल सके और किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।